क्या लोगों के रोजगार को खत्म करने पर तुले बड़े बिजनेसमैन? क्या ऑनलाइन बिजनेस के आ जाने से आ गए 30 लाख लोगों के परिवार? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मेडिसिन बिजनेस के बारे में। क्या आपको पता है मार्केट में टाटा 1MG के आने से आ गए 30 लाख लोगों के परिवार? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, टाटा 1MG एक मेडिसिन कंपनी है जो ऑनलाइन मेडिसिन बेचती है, जो कि रतन टाटा की कंपनी है। एक तो कानूनी तौर पर जुर्म है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन है नहीं कि दवाई आप ऑनलाइन मंगाइए। एक्ट में प्रोविजन है कि दवाई केमिस्ट की देखरेख में बिकेगी। छोटे से छोटे लोगों के बारे में सोचने वाले रतन टाटा ने ऐसा फैसला लिया क्यों? आज देश में 10 लाख लोकल केमिस्ट के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है, लेकिन इसी बीच रतन टाटा ने 1MG में 65% की हिस्सेदारी खरीदी। ये वही कंपनी है जो बड़े डिस्काउंट के नाम पर दवाई बेचती है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड ड्रगिस्ट ने रतन टाटा को इनके इस फैसले को लेकर खत भी लिखा, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ पे केमिस्ट दवाई बेचने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च करके नॉलेज लेता है, डिग्री लेता है, लाइसेंस प्राप्त करता है। यही नहीं, टाटा 1MG जैसी कई कंपनियाँ पैसों के लालच में देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दवाई कई बार नकली होती है या एक्सपायरी होती है। ये बड़े बिजनेसमैन मेडिसिन मार्केट में धाक जमाने के लिए कई नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट को अपने पैसे से खत्म करने के लिए कई कंपनी आ गई है। वैसे ही अपोलो मेड प्लस, सस्ता सुंदर .com, अब तो अमेजोन भी मार्केट में उतर रहा है। खास करके तो एक केमिस्ट को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूँ उनके और उनके भविष्य का सवाल है।